दोस्तों, अगर आपके पास भी है मोटो जी 54 5G मोबाइल और इस मोबाइल में नेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। वो आपके मोबाइल में चाहे नेट स्पीड स्लो आ रही है या नेटवर्क छोड़ देता है, तो नेट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। बस जो मैं आपको स्टेप बताने वाला हूँ वही स्टेप आपको फॉलो करना है। तो सेटिंग करने के लिए आप नोटिफिकेशन पैनल ओपन करेंगे, आपके मोबाइल का नेट ऑन होना चाहिए। नेट ऑन हो तो उसी पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है इस प्रकार से। उसके बाद यहां पर इस तरह का इंटरफेस तो होगा आपके सामने। अब यहां पर दोस्तों आपके मोबाइल का नेट ऑन होना चाहिए और ये दोस्तों देखिए ये भी टिक ऑन होना चाहिए और ऑपरेटर वीडियो कॉलिंग ये भी टिक ऑन होना चाहिए और ऑटोमेटिक सेलेक्ट नेटवर्क का जो ऑप्शन मिला है ये भी टिक आपके मोबाइल में ऑन होना चाहिए। देख लीजिए मेरी तरह ही सेटिंग होनी चाहिए आपके मोबाइल में। उसके बाद अब आपको करना क्या है, यहां पर डाटा वार्निंग का जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर दो टिक मिलेंगे, दोनों टिक को आपको इस प्रकार से इनेबल करना है। उसके बाद डाटा लिमिट का जो ऑप्शन मिला है इस पर आपको क्लिक करना है और यहां से दोस्तों आप यहां पर 48,000 इस प्रकार से लिख दीजिए और सेट पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद डाटा वार्निंग जो दिख रहा है इस पर आप क्लिक कर दीजिए और यहां से 5 लिखकर सेट पर क्लिक कर दीजिए। इतना सब कुछ कर लीजिए, अब आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद अब आपको पूरा कट कर देना है एक बार में इस प्रकार से। उसके बाद अब आप नोटिफिकेशन पैनल ओपन करिए, एरोप्लेन मोड आप अपने मोबाइल में लगा दीजिए, उसके बाद आप हटा दीजिए। अब आप मोबाइल अपना यूज करिए, नेट काफी हद तक दोस्तों आपके नेटवर्क स्पीड फास्ट आएगी और जो नेट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो रही थी वो भी आपकी फिक्स हो जाएगी।